अध्याय 11 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। आप बल और गति के अध्याय में ऐसे बहुत से घटनाओं से परिचित हुए हैं जहां वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। जैसे एक पत्थर को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वापस सतह पर आ जाता है। बारिश की बूंदों से लेकर सूखा पत्ता, धूल के कण, सब कुछ पृथ्वी पर ही आ गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं? किसी पत्थर को ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी की सतह तक आते आते उसका वेग क्यों बढ़ जाता है? आपने पिछली कक्षा में जाना कि सौर मंडल में पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा जैसे उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के ऊपर या चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिरता? क्रियाकलाप एक। एक लकड़ी के गुटके को धागे से बांधिए। धागे के एक सिरे को हाथ से पकड़कर गुटके से बंधे हुए दूसरे सिरे को छोड़ दीजिए। चित्रानुसार अब धीरे धीरे गुटके को वृत्ताकार घुमाएं। उसे तेजी से घुमाकर देखें। क्या आप अपनी उंगली पर ज्यादा तनाव महसूस करते हैं? यदि आप गुटके को तेजी से घुमाते हुए धागे को छोड़ दें या धागा टूट जाए तो गुटका किस तरफ जाएगा? क्या धागा टूटने के बाद भी गुटका वृत्ताकार पथ में घूमता रहेगा? क्या आपने गुटके की गति के दिशा के बारे में कुछ सोचा है? आपस में चर्चा करें, सावधानी से प्रयोग करके देखिए तथा पता लगाएं कि यदि घुमाने की गति को धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होगा।